गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर एट अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो वी विल डिस्कस बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर लेट अस स्टार्ट फर्स्टली वी विल रीड पुट राइट और रोंग मॉस्किटोज स्प्रेड फूड पॉइजनिंग मॉस्किटो फूड पॉइजनिंग फैलाते हैं रोंग हाउस फ्लाई इज स्प्रेड फूड पॉइजनिंग सेकेंड मॉस्कीटोज रिप्रोड्यूस इन स्ट्रेगनेंट वाटर मच्छर जो है वो खड़े खड़े पानी में रिप्रोड्यूस करते हैं यानी अपने एग्स जो है वो ले करते हैं एग्स देते हैं राइट मलेरिया अकर्ज बाय बैक्टीरिया प्लाजोमोडियम मलेरिया प्लाजोमोडियम बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है रोंग डेंगू अक्र्स बाय मॉस्किटो बाइट डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है राइट देयर शुड नॉट बी प्रॉपर वेंटिलेशन टू अवॉइड डिसीज रोगों से बचने के लिए हमें पूरे हवादार वातावरण की ज़रूरत नहीं है रॉन्ग नेक्स्ट फिलप्स फर्स्ट वन इज़ रोनाल्ड रोसकोट नोबल प्राइज इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड टू 1902 में रोनाल्ड रोज को नोबल प्राइज मिला था वी शुड स्लीप यूजिंग मॉस्किटो नेट हमें मच्छरदानी के अंदर सोना चाहिए द फर्स्ट स्टेज आफ्टर एग इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉस्किटो इज़ डैश दैट इज़ लार्वा फर्स्ट स्टेज क्या है एग के बाद की फर्स्ट स्टेज क्या है मच्छर के बड़े होने में डेवलपमेंट में उसके बढ़ने में लार्वा डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स आर स्प्रेड ऑन द बॉडी ऑफ डैश हाउस फ्लाइज़ डिसीज़ कोजिंग एजेंट कहाँ पर फैलते हैं सॉरी आर स्प्रेड ऑन द बॉडी ऑफ किसकी बॉडी पर फैलते हैं हाउस फ्लाइज़ की द स्कूल चिल्ड्रन जनरली सफ़र फ्रॉम एनीमिया स्कूल चिल्ड्रन गोइंग चिल्ड्रन जो हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं मोस्टली वो किस डिसीज़ से सफ़र होते हैं किस चीज़ से प्रभावित होते हैं अनेमिया से उनमें खून की कमी होती है मैच द फॉलोइंग्स अनेमिया जनरल फैटेग्यूज से हमें थकावट महसूस होती है जब खून की कमी हो कॉलरा वोमिटिंग, इसमें उल्टियाँ लग जाती हैं प्लाजोमोडियम प्रोटोजोआ प्लाजोमोडियम जो है वो प्रोटोजोआ के कॉम्बिनेशन से चिल्स एंड रिगर्स चिल्स एंड रिगर्स यानी ठंड लगे और कठोर जो बुखार है वो कब होता है मलेरिया में फ्लाइज फ्लाइज कहाँ बैठती हैं गारबेज पे कूड़े करकट पे नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग वाई ओनली फीमेल्स एनाफ्लिस स्प्रेड मलेरिया फीमेल जो मादा एनाफ्लिस मच्छर है वही मलेरिया क्यों फैलाता है ओनली फीमेल एनाफ्लिस स्प्रेड मलेरिया बिकॉज इट बाइट्स द पर्सनस टू टेक ब्लड मील टू नॉरिश एग्स क्योंकि इसको अपने अंडों को नरिश करने के लिए आ, किसी व्यक्ति के ब्लड की ज़रूरत होती है ये उस ब्लड में से अपना खाना मील प्राप्त करती है एक्सप्लेन हाउ चिल्स एंड रिगर्स डिवेल्प इन मलेरिया पेशेंट चिल्स और रिगर्स ठंड से और कम कभी से या कठोरता से बुखार कब होता है मलेरिया पेशेंट को क्यों होता है पैरासाइट ट्रेवल्स टू लीवर जो पैरासाइट है जो इसके लिए इसका कारण होता है मलेरिया का वह लीवर में जाता है वेयर इट बिगिनस टू रिप्रोड्यूस जहाँ पर यह बढ़ना शुरू करता है मल्टीप्लाई में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू कर देता है देन इट लीव्स द लीवर फिर यह लीवर को छोड़ देता है एंड ट्रेवल्स टू द ब्लड और ये ब्लड में पहुँच जाता है वेयर इट इन्फेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स जहाँ पर यह लाल रक्त जीवाणुओं को प्रभावित करता है द पैरासाइट रिप्रोड्यूस इन रेड ब्लड सेल्स पैरासाइट जो है अब रेड ब्लड सेल्स में बढ़ना शुरू करता है वहाँ पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है विच डिस्ट्रॉयज द सेल्स जो सेल्स को ख़त्म कर देता है एंड रिलीज मोर पैरासाइट्स इंटू द ब्लड स्ट्रीम और और ज़्यादा जो पैरासाइट है परजीवी हैं वो ब्लड स्ट्रीम में पैदा होने शुरू कर देता है या छोड़ने शुरू कर देता है एट दिस मोमेंट जब यह ऐसा होता है तो इस समय में इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसको फीवर किससे आता है ठंड से फीवर लगता है या उसको ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है वट प्रट प्रिकॉशन्स वी शुड टेक टू प्रिवेंट कॉलरा एंड टाइफाइड कौन सी हमें प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए कॉलरा और टाइफाइड से बचने के लिए टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉलरा एंड टाइफाइड वी यू वी कैन यूज़ फॉलोइंग मेजर्स हमें निम्नलिखित जो मेजर्स को अपनाना चाहिए ऑलवेज कीप द फूड कवर हमें खाने को ढक कर रखना चाहिए यूज स्क्रीन डोर्स विंडोज हमें जाली वाले दरवाजों और खिड़कियों का प्रयोग करना चाहिए द ड्रेन्स शुड बी कैप्ड कवर्ड नालियाँ ढकी हुई होनी चाहिए दे आर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन वो हवा का पूरा जो सिस्टम होना चाहिए वेंटिलेशन का कीप द हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन अपना आसपास और घर साफ़ सुथरा रखें द किचन वेस्ट शुड बी कैप्ड कवर्ड किचन का जो वेस्ट है कूड़ा करकट है उसको ढक कर रखना चाहिए रिड्यूस गारबेज एज मच एज पॉसिबल गंदगी को कम करना चाहिए जितना आप कर सकें नेक्स्ट है ड्रा लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो मॉस्किटो का आपने लाइफ साइकिल जीवन चक्र बनाना है फर्स्ट इसकी जो स्टेज है वो है एग पहले जो आ, मादा एनाफ्लीज मच्छर है जो वो पहले एग्स देती है फिर वो एग से लार्वा बनता है लार्वा से प्यूपा में बदल जाता है लार्वा जो है डवेल्प होके प्यूपा में बदल जाता है प्यूपा डिवेल्प होके एडल्ट एमर्जिंग में बदल जाता है जिससे फिर वो मादा एनाफ्लीज मच्छर बन जाते हैं हाउ इट वाज डिस्कवर्ड दैट मॉस्कीटो इज गुड फॉर मलेरिया सॉरी यहाँ पे कनीन आएगा मॉस्कीटो की जगह पर हाओ इट वज डिस्कवर्ड दैट कनीन इज़ गुड फॉर मलेरिया ये आपको कैसे पता चलेगा कि कनिन ये कैसे पता चला कि जो कनिन है वो मलेरिया के लिए अच्छा है इन अर्ली टाइम्स कनिन वाज ऑप्टेंड फ्रॉम द बार ऑफ सिंकोना ट्री पुराने समय में कुनीन जो है वो सिंकोना ट्री की छाल से प्राप्त की जाती थी दे यूज़ टू बॉयल दिस बार वो इस छाल को उबालते थे एंड स्ट्रेन वाटर वाज यूज मेजी मेडिसिन और छन्ना हुआ पानी जो है वो दवाई के तौर पर प्रयोग करते थे कुनीन वर्क्स बाय किलिंग द पैरासाइट और प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ग्रोइंग कुनीन जो है वो इस पैरासाइट को जो मलेरिया के लिए कॉजिंग है पैरासाइट उसको मारने में काम करती है और प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ग्रोइंग और इसको बढ़ने से उस पैरासाइट को बढ़ने से रोकती है